सुप्रभात विद्यार्थी। इसके पहले के वीडियो में हमने पट गम के धातु रूप को हमने जाना कि लिट लकार का धातु रूप बनाते समय मूल धातु में ही प्रत्यय को जोड़ेंगे, जिसमें आपने इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यत, इष्यत, इष्यामी, इष्यावः, इष्यामः आपने जोड़ा था। विद्यार्थी, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके अंदर लिट लकार में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ परिवर्तन सामान्य धातु में तो ऐसे ही चलेंगे, परंतु कुछ धातु रूप में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे विद्यार्थी, अगर वो धातु रूप जैसे अकारांत, अकारांत का मतलब क्या होता है, जिसके पीछे आ की मात्रा हो, जिसके पीछे आ की मात्रा हो, उसको अकारांत वाला। अकारांत धातु रूप हो तब उसका जो लिट लकार का धातु रूप बनेगा वह स्यति, आदर्श यति, स्यति की जगह पर का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण के लिए दा है धातु, उसमें स्यति, स्यति की जगह स्यति तो हो जाएगा दास्यति, दास्य दास्य, इस प्रकार का धातु रूप बनेगा। कब बनेगा विद्यार्थी, जब आ की मात्रा वाला या आ, जैसे आ है, ता है, पा है, तो उसका रूप इस तरह बनेगा। तो इसको हम बनाएंगे विद्यार्थी, दा में इस्यति हो जाएगा दास्यति, वह देगा दास्य, वे दो देंगे, देंगे भविष्यकाल के दास्यन्ति, 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 वे सब देंगे। दाकार क्या होता है, देना, ये हो जाएंगे देंगे, देंगे के अर्थ में बनेगा। फिर वहां सी लगेगा, सी तो दास्यसी, दास्यसी, दास्यथ, दास्यथ, फिर दास्यथ, दास्य, यहां स्टार्ट हो जाएगा, तुम दोगे, तुम दो दोगे, तुम सब दोगे। अब उत्तम पुरुष के लिए तो हो जाएगा दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। इस प्रकार धातु रूप बनेगा कब, जब आ की मात्रा होगा। उसी तरह पा, पा का अर्थ होता है पिप, पिप बदल जाता है, परंतु हमें पा में जोड़ना है, तो क्या होगा, पाश्यति, पाश्यता, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यत, पाश्यत, पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामः, इस प्रकार का रूप बनेगा। तो यहाँ यह ध्यान रखना है, आ की मात्रा वाला कोई धातु रूप हो तो उसके अंदर श्यति ये वाला, नहीं तो इष्यति वाला रूप बनेगा। उसी प्रकार दृश्य, दृश्य धातु का जो है का भी धातु रूप परिवर्तित रूप बनता है, तो उसको हम उसी प्रकार देखेंगे।